यहाँ पर व्यास जी इस प्रकार चले जाते हैं और ये जो हैं मत्स्यगंधा यानी सत्यवती वापस अपने पिता के पास आ जाती हैं। पिता के पास आ जाने के बाद में कुछ समय के बाद राजा शांतनु वहाँ जाते हैं और राजा शांतनु जो हैं वो मत्स्यगंधा को देखते से ही यानी कि सत्यवती को देखते से ही मोहित हो जाते हैं, क्योंकि व्यास जी ने उन्हें कहा था कि आपकी आपकी जो शादी है वो एक अच्छे उच्च कुल में राजा के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर शांतनु जो है सत्यवती को कहते हैं कि मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती ने कहा कि आप मेरे पिताजी से पूछे। क्या कहा? पिताजी से पूछे। तो बोले मैं राजा हूँ, मुझे कोई मना नहीं करेगा और मेरी पत्नी भी नहीं है, मैं आपसे विधि विधान के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप जो भी हो लेकिन आप मेरे पिता से पूछे, यदि मेरे पिता कहेंगे तब ही मैं आपका वरण करूंगी, अन्यथा नहीं। जब इस तरीके की बात हुई तो राजा निमिष के पास गए, निमिष से कहा कि मुझे आपकी पुत्री जो है बहुत अच्छी लगी और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं उनको इस देश की इस प्रदेश की रानी बनाना चाहता हूँ। समझने वाली बात है कि सत्यवती ने यानी कि मत्स्यगंधा जो सत्यवती में अब परिवर्तित हो गई वो अपने पिता से पूछने की बात कर रही है, मेरे पिता से पूछो तो मैं फिर आपका वरण करूंगी या जैसे मेरे पिता आज्ञा देंगे वैसे करूंगी। और आजकल क्या होता है, आपस में आप लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, तय कर लेते हैं और फिर घर वालों को बोलते हैं कि हमने इसको चुन लिया। प्रेम विवाह, लव मैरिज, ये गलत है। उससे भी और पतित होते जा रहे हैं। अब तो ऐसा है कि विदेशों में बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे एक बीमारी अब हिंदुस्तान में आने लगी है, कम से कम आप और आपके आस पड़ोस में इसको ना आने देना। लिव इन रिलेशनशिप, ये बहुत गलत है। हमने कल ही कहा कि आप सब ऊर्जा है, आप सब दिव्य है। एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र को नड़ सकता है, आप किसके साथ कब इतने निजी संबंध स्थापित कर लें और उससे आपकी ऊर्जा का और उसकी ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपका पतन होगा आपकी उन्नति होगी, आपकी नाड़ी मिली नहीं मिली, कौन सा दोष लग गया, ये तो वो ही जाने, आप जानो भगवान जाने। इसलिए कभी भी इस तरीके से अंतरंग संबंध किसी से नहीं बनाना चाहिए। हमें ये बात यहाँ से इसलिए कहनी पड़ रही क्योंकि यहाँ से पूरे समाज को ये बात कही जा सकती है। जब कोई मिलने आता है तो एक दो को बताया जा सकता है, यहाँ से सबको बताया जा सकता है। तो आप जो हैं इस तरीके से किसी के पास स्पर्श तक में दोष है, साधारण स्पर्श में भी दोष है। आप कहाँ गए, कहाँ से आए, किसको हाथ लगाया, किसको छुआ, फिर आप जाके किसको छू रहे हो। चलिए आजकल लिफ्ट बन गई, लोग लिफ्ट में आते जाते हैं, उस लिफ्ट में थोड़ी देर पहले जमादार कचरा लेके जाता है, फिर उसी लिफ्ट को आप हाथ लगाते हो, ऑफिस जाते हो और जाके सीधा अपनी कर्मभूमि पे बैठ जाते हो, अपनी टेबल पे बैठ जाते हो। क्या लेके गए वाइब्रेशन, लिफ्ट में क्या था, कितनी गंदगी थी पता नहीं, और ऑफिस जाके कोई हाथ पैर धो के भगवान को हाथ जोड़ के लगभग नहीं बैठता है, अनलेस वो कोई व्यापारी हो। नौकरी वाला तो बिल्कुल नहीं, हमने बहुत कम ही सुना है या देखा है कि कोई नौकरी वाला व्यक्ति भी ऐसे बैठता हो। तो जैसी ऊर्जा ले जाओगे वैसा फल मिलेगा। फिर बोलते हो बिजनेस में लॉस हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, वहाँ पर जॉब में किसी ने बॉस को कंप्लेंट कर दी, नौकरी छोड़नी पड़ रही है, डिमोशन हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया। पर आप समझे कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों हो रहा है।